तेजस्वी प्रकाश एकता कपूर पर अब मुसीबत बनने वाली है। आखिरकार क्या किया है तेजस्वी ने ऐसा जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें चल रही हैं, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वाल आपको बता दूँ कि एकता कपूर के नागिन 6 में नजर आ रही हैं तेजस्वी प्रकाश। और हाल ही अगर ट्रैक की बात करूँ तो बहुत जल्द आप देखेंगे, यानी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महक की जो है वो खाई में गिरकर डेथ होने वाली है और ऋषभ की जो है एंट्री होगी या नहीं होगी, ये भी वह क्वेश्चन मार्क है। प्लस यहाँ पर जो प्रथा की जो बेटी है इसका राज जो है वो छुपा रहेगा, साथ साथ इसके टाइटल के चेंजेस को लेकर भी जो है वो खबरें सामने आई हैं। अब ऐसे में आपको बता दूँ यहाँ पर कि तेजस्वी प्रकाश ने रख दी है एक डिमांड। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, तेजस्वी प्रकाश की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम पर भी उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। आपको बता दूं कि किसी भी पोस्ट को शेयर करने के लिए वो एक पोस्ट को शेयर करने के लिए 10 लाख रुपीज़ चार्ज करती हैं। अब ऐसे में आपको बता दूं कि बहुत जल्द जो तेजस्वी हैं उन्होंने इरादा बना लिया है एकता कपूर से नागिन 6 के अपनी फीस को बढ़ाने का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, तेजस्वी प्रकाश इस शो में दिसंबर एंड तक आप लोगों को नज़र आने वाली हैं। और अगर बात करें यहाँ पर नागिन 6 के लेके, क्योंकि आपको बता दूँ नागिन 6 में 20 साल का लीप आने वाला है, लेकिन इस 20 साल में तेजस्वी जो है इस शो में वैसे ही नज़र आने वाली हैं, उनकी बेटी के किरदार में नज़र आती हुई नज़र आएंगी आपको। पहले यानी कि अभी तक जो है तेजस्वी प्रकाश जो है वो 2 से 3 लाख रुपये पर एपिसोड चार्ज कर रही थी, लेकिन अब इनकी अभी जो डिमांड हुई है इनकी पर एपिसोड 6 लाख रुपीज़ की डिमांड हुई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या एकता कपूर तेजस्वी प्रकाश को रिप्लेस करती है या इस डिमांड के साथ में कंटिन्यू। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।